तो देखो, मास कम्युनिकेशन से शुरुआत करते हैं पहले, है ना। जब मास कम्युनिकेशन की हम लोग बात करते हैं तो इट इज़ बेसिकली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, तभी मास कम्युनिकेशन बोलते हैं उसको। इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन टू द मासेस। जब आप बहुत सारे लोगों के लिए कुछ कंटेंट बना रहे होते हो, कुछ तैयार कर रहे होते हो, एक तरीके का मैसेज जो है डिलीवर कर रहे होते हो उनको, तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। अब जैसे कि इन्होंने बताया, जर्नलिज्म में एक हिस्सा है इस चीज़ का, है ना, लेकिन जर्नलिज्म अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है, उस पर हम आएंगे थोड़ी देर में। जब आप मास कम्युनिकेशन करोगे तब उसमें आप क्या क्या चीज़ें सीखोगे, मास कम्युनिकेशन का जो हिस्सा होते हैं, जैसे आपको जाके एक करियर अपना चूज़ करना है इस कोर्स के बाद, है ना, वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या स्किल्स हैं, क्या आप बेहतर कर सकते हो, किन चीज़ों में आपकी अपनी काबिलियत खासियत क्या है, है ना। अब वो जो है वो पीआर कम्युनिकेशन हो सकता है। पीआर बेसिकली आप मीडिया एंड कॉर्पोरेट्स के बीच में काम करोगे, है ना, इट्स अ ब्रिज बिटवीन कॉर्पोरेट एंड मीडिया। जब आप इंफॉर्मेशन को मीडिया तक पहुंचाओगे किसी कंपनी के लिए पर्टिकुलर, है ना, एक काम इसके अंदर जो है मूवी भी होगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप जा सकते हो, आप एक डायरेक्टर बन सकते हो, आप एक राइटर बन सकते हो, है ना, ये सारी चीज़ें जाएंगी। एंड जर्नलिज्म ऑफ कोर्स इसका एक पार्ट है, ठीक है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो है वो एक हिस्सा होती है, एंड एडवर्टाइजमेंट एक इंडस्ट्री होती है जो अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है। एडवर्टाइजमेंट में भी आप बेसिकली एक मैसेज ही डिलीवर कर रहे होते हैं लोगों को, है ना, लेकिन वो ज़्यादा कन्विंस करने वाला पार्ट होता है, जब आप लोगों को किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे होते हैं ना, अप्रोच कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होंगी जिनको आप पढ़ोगे, सीखोगे कि क्या उसके अंदर आपके लिए बेहतर है, क्या आप बेहतर कर सकते हो। तो इसलिए जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, देखो, उनको सबसे पहली चीज़ जो है करने के लिए कुछ भी, ये ज़रूरी है कि आप शुरुआत कहाँ से करो, है ना। और कुछ भी शुरुआत करने के लिए जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तब आपको वहाँ पर ये देखना ज़रूरी होगा कि आप क्या बेहतर कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने मास कम्युनिकेशन कर लिया अब उसके बाद क्या करें, जो चीज़ में जॉब मिल रही है वो कर लेते हैं, है ना। जॉब करेंगे तो सीखेंगे, एक्सपीरियंस से जॉब मिलेगी, है ना, जॉब से एक्सपीरियंस मिलेगा, चलती रहेंगी चीज़ें, करेंगे सीखेंगे और देखेंगे क्या करना है ना। ये तो एक तरीका है, लेकिन ये तो सिर्फ एक तरीका है। जब आप कुछ भी स्टार्ट करो उसमें बेहतर आप तब कर पाओगे जब आपको पता होगा कि भाई मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। अब जैसे आप इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हो, अब इन सब में से कुछ लोग जो है वो बहुत अच्छा बोलते होंगे, है ना, कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते होंगे, अपने स्कूल में पढ़ते होंगे ना ऐसी चीज़ें। आपके ग्रुप में एक बच्चा होगा जो मतलब उसके आसपास हमेशा चार पाँच लोग जो है बच्चे अपने रहते होंगे ना, जोक मारना, कहानियाँ सुनाना, किसी को भी इधर झूठी बोलना, है ना, टीचर्स को बेवकूफ़ बना देना ज़रा सी बातों में, ये सब कम्युनिकेशन ही है ना। ये कितना आप इस चीज़ के अंदर आपकी काबिलियत है कि भाई आप ऐसे बात को बोल रहे हो कि लोग सुन रहे हैं आपको, मज़ा आ रहा है उनको, आप कुछ भी बोल रहे हो उनको मज़ा आ रहा है, आप भले जोक मार रहे हो चाहे किसी भी चीज़ को कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो आपको पता है कि आप जो है किसी बात को अगर बताओगे तो वो चाहे बात कुछ भी हो, आप उसको इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बताओगे कि सारे लोगों का अटेंशन उसकी तरफ आ जाएगा, है ना। ऐसे कुछ लोग होते हैं बहुत स्टूडियस होते हैं बच्चे, वो लिखते बड़े बढ़िया हैं, अब वो जो बोलने वाला बंदा है उसके नंबर नहीं आते एग्ज़ाम के अंदर, है ना, लेकिन वो बोलता बड़ा कमाल का है, उसको कहीं पर भी खड़ा कर दो आप, माहौल बन जाएगा उसको खड़ा करने का, है ना। लेकिन जो स्टूडियस बच्चे होते हैं उनके चश्मे लगे हुए होंगे, टॉपर होंगे स्कूल के वो, लेकिन वो बोल नहीं सकते, बोल सकते हैं बट उस तरीके का उनका बोलने का अंदाज नहीं है कि किसी का इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें, या किसी को आप बोलोगे भाई कहानी सुना दो तो उनकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग हो कि कहानी में खो जाए इंसान की, अच्छा फिर, है ना। तो ये अपनी अपनी काबिलियत होती है, और जब आप एक ऐसे मीडियम के अंदर जा रहे हो जहाँ पर आपके पास बहुत सारी जो है रास्ते खुलेंगे अलग अलग डायरेक्शंस में, है ना, तब आपकी काबिलियत जो है वो वहाँ पर आपको बेहतर और दूसरों से कमतर जो है करेगी। अब सबको अपने करियर में कामयाबी होना है ना, सिर्फ हम जॉब करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, अगर जॉब ही करनी है तो फिर बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, कुछ भी कर लो, कोर्स ख़त्म करोगे नौकरी लगी जाएगी, उसके बाद सीख जाओगे तो कुछ ना कुछ करना, बेहतर हो जाओगे थोड़े टाइम के बाद, है ना। कुछ भी कर रहे हो तो वो बेस्ट होना चाहिए, और वो बेस्ट कब होगा, जब मुझे पता होगा कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, है ना। तो पहला लेसन तुम लोगों के लिए मास कम्युनिकेशन में ये होगा कि तुम अपने आप को एनालाइज करो कि कम्युनिकेशन तो ठीक है लेकिन उस कम्युनिकेशन में तुम कहाँ स्टैंड करते हो। तुम अच्छा बोलते हो, तुम अच्छा लिखते हो,
तुम अच्छे चीज़ों को विजुलाइज करते हो, है ना, या तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं किसी भी चीज़ को लेके कि ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो हो रहा है तो वैसे क्यों हो रहा है, इसने ऐसा क्यों कर दिया, सही क्या गलत क्या है, है ना। तब आप अपना एक मीडियम चूज़ कर पाओगे कि आपको बेसिकली इस कोर्स के बाद करना क्या है, है ना। आपको मूवी मेकिंग में जाना है, इंटरटेनमेंट करना है, आप बहुत अच्छे डांसर हो, आप बहुत अच्छे डायरेक्टर बन सकते हो, आप बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हो, या आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हो, या आप बहुत अच्छे आप आरजे बन सकते हो, है ना, या आप बहुत अच्छे से कहानी को नरेट कर देते हो, आप बहुत अच्छे राइटर बन सकते हो। ये क्यों मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तुमने बहुत एग्जांपल बड़ी बार सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर जो बड़ा बेहतरीन किस्म का बैट्समैन और क्रिकेटर था, है ना। सचिन तेंदुलकर की एजुकेशन क्या, मेरे ख्याल से 10वीं पास था ना, 10th पास। अगर सचिन तेंदुलकर के पापा बोलते कि बेटा स्कूल में कुछ इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, तुम जाओ पढ़ाई करो, है ना, ग्रेजुएशन करो, ये करो, तो वो कहीं ऐसे जॉब कर रहा होता, हमारी तुम्हारी तरह जॉब कर रहा होता, इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं बनता ना। क्रिकेटर क्यों बना, क्योंकि उसको पता था कि उसकी काबिलियत ये है, मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेल सकता हूँ, तो मैं क्रिकेट में अपना वक्त लगा रहा हूँ, है ना, वो आसान हो जाता है आपके लिए। तो इसलिए मास कम्युनिकेशन में एक चीज़ को लेके बहुत क्लियर रहना, अपने आप को सोचो, तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता, है ना, मैं या कोई भी, या जया या कोई भी फैकल्टीज आगे तुम्हें स्किल्स सिखाएंगे कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे की जाती है, इसके अंदर आपके साथ ये चैलेंजेस होंगे, ये सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको तैयार करना है। लेकिन जब उसका फाइनल रिज़ल्ट आएगा, जब आप बहुत सारे लोगों से उस फील्ड के कम्पीट करोगे, है ना, तब उसमें आप सबसे आगे खड़े होने चाहिए, ठीक है, वो आपका कंफर्ट वाला एरिया होना चाहिए जिसमें मैं ऑलरेडी बेहतर हूँ, मुझे पता है, है ना, ये मुझे दे दोगे टास्क तो मैं पहले ही निपटा दूंगा उसको, क्योंकि तो मेरे लिए आसान काम है, मेरा नेचुरल इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर, है ना। तो पहली चीज़ तुम्हें ये चूज़ करनी है कि तुम क्या बेहतर करते हो, तुम्हारी काबिलियत क्या है, तुम क्या बन सकते हो इस फील्ड के बाद, है ना, चूज़ करो, उसके बाद उस चीज़ पर काम करना शुरू करो। अब आते हैं जर्नलिज्म के ऊपर। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि एक मास कम्युनिकेशन है, उसके अंदर जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप जर्नलिज्म वर्ड सुनते हो तब जर्नलिस्ट बहुत तरह के होते हैं। आप ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट बन सकते हो, आप प्रिंट जर्नलिस्ट बन सकते हो, आप आने वाले टाइम में या जो अभी का टाइम चल रहा है वो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, हो सकता है जब आप लोग फील्ड में जाओगे, जब अपना कोर्स कंप्लीट करोगे तब वो मेन फील्ड हो जाए, है ना, क्योंकि सबके पास ट्रांसफॉर्मेशन इतनी तेज़ी से आज के ज़माने में होता है कि भाई थोड़े टाइम पहले तक मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ कॉल करने के लिए होता था, है ना, फिर व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए होने लग गया, फिर कंटेंट देखने के लिए होने लग गया, अब सब चीज़ों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। तो आने वाले टाइम में क्या पता ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो जर्नलिज्म की हम बात करते हैं, तो जर्नलिस्ट जब आप बनोगे तब कुछ चैलेंजेस होंगे, ऑफकोर्स होंगे, क्योंकि हर एक फील्ड के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जर्नलिज्म जो मीडियम होता है वहाँ पर चैलेंजेस से ज़्यादा आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होगी, है ना, क्योंकि लोग आपकी तरफ एक उम्मीद से देखेंगे कि अगर कुछ हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो जानने के लिए लोग आपसे आपकी तरफ देखेंगे, वो इंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ टीवी देखने के लिए या सिर्फ रेडियो सुनने के लिए या फिर सिर्फ अखबार पढ़ने के लिए नहीं देखेंगे। आप जो चीज़ लिखोगे, जो चीज़ कहोगे, जो चीज़ आप दर्शाओगे, वो हमेशा के लिए जो है वो वहाँ पर सिद्ध हो जाएगी, है ना। इसलिए कहते हैं अखबार में जो एक बार चीज़ लिखी जाती है वो डॉक्यूमेंट बन जाती है। तो इसलिए आपकी लिखी हुई कोई भी चीज़ सिर्फ लिखी हुई चीज़ नहीं होगी, उसके पीछे एक जिम्मेदारी चाहिए होगी कि आप जो कुछ लिख रहे हो वो सही है, है ना, उसके असर क्या हैं, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत इन्फॉर्मेशन आपने छाप दी है, है ना, किसी का नुकसान तो नहीं हो जा रहा उससे। तो वो सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं होगा, वो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी आपके ऊपर, चाहे आप टीवी में काम करो, चाहे आप प्रिंट में काम करो, चाहे आप रेडियो में काम करो, है ना। तो जर्नलिज्म जब करने की सोचोगे, जर्नलिज्म में जाओगे, तब उसको सिर्फ नौकरी की तरह मत सोचना कि भाई बाकी नौकरी लोग करते हैं, हम भी एक नौकरी कर रहे हैं, हमें एक असाइनमेंट दिया जाएगा, एक टास्क दिया जाएगा, हम उसको बहुत अच्छे से करेंगे एंड चलती रहेगी कहानी। तो जर्नलिज्म में ये नहीं होता। जर्नलिज्म जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है, वो थ्रू आउट आपके करियर के साथ चलेगी, राइट।
आपको सही गलत का फ़र्क रखना पड़ेगा, आपको चीज़ों में पहले एनालाइज करना पड़ेगा, आपकी बोली हुई बात, आपकी कही हुई बात, आपका दिया हुआ मैसेज सब ठीक होना चाहिए, कुछ भी उसके अंदर गलत नहीं होना चाहिए।